more. नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कारगिल वॉर मेमोरियल को दिखाऊंगा और यहाँ के आपको आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी यादें जो है आपके जहन में ताज़ा हो जाएंगी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसी से ही संबंधित यहाँ पे कुछ स्मृतियों को सहेजा गया है। तो चलिए देखते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल को और कुछ यादों को ताज़ा करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और ये युद्ध ज़्यादातर द्रास सेक्टर में लड़ा गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि द्रास भारत की सबसे ठंडी जगह है एवं दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। आप इस मंजर को देखिए, ये हमारे वही वीर जवान हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए अपने। सल्यूट है इन सभी जवानों को। इसके अलावा तो कोई शब्द नहीं है जो इनकी वीरता को, इनके शौर्य को हम परिभाषित कर सकें। किन्हीं भी शब्दों में इनके लिए कोई भी शब्द नहीं है। आप बस फील कीजिए, आप महसूस कीजिए। अगर हम शब्दों में बांध देंगे इनको तो इनकी जो गौरव गाथा है वो कहीं ना कहीं सीमित रह जाएगी। ये अमर जवान ज्योति है जो उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो कि कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अपनी अलग अलग यूनिट से करीब 526 सैनिकों को खोया और 1363 गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्होंने अपने देश के लिए इस युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया उन्हीं वीर जवानों के नाम यहाँ लिखे गए हैं, जो इस तिरंगे के नीचे बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे होंगे। ये देखिए, ये टाइगर हिल का बैटल के बारे में ही यहाँ पे दिखाया गया है और इसके जस्ट पीछे आप अगर देख पा रहे होंगे तो टाइगर हिल नजर आ रहा है। वो देखिए, वो जो दिख रहा होगा आपको वो टाइगर हिल है। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि कारगिल युद्ध से रिलेटेड जितना भी जो वाक्यात रहे हैं वो उससे संबंधित यहाँ पे उसकी जानकारी दी गई है। ये बैटल्स ऑफ टुलटुक सेक्टर। ये हैं युद्ध में शेरशाह कहे जाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको इनकी बहादुरी के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यहाँ मौजूद
स्मृतियों को शब्दों में बांधना बहुत ही कठिन है, जितना कहें उतना कम है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया। जय हिंद।